बाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज़ एक अजीम शान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खानाबदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकें। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीज़ो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सलजूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दागबेल डाली और यूं खानाबदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आजमों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाकयात से माखूज है। कैकाबूस और संदूक हमारे सामने है, अगर हम और रुकी तो हो सकता है कि अलागू खान भी पहुंच जाए। हम किसी के पहुंचने से पहले ही हमला कर देंगे। कैकाबूस और संदूक को कब्जे में ले लो, जल्दी करो। फौरन ये झंडे हटाकर काई परचम लहराए जाए। यहां सऊद की हुदूद में आज के बाद सिवाय काई के और कोई परचम नहीं लहराया जाएगा। कमांडर आलम जक ने सऊद और सरदार आले का मनसब बेबुला सरदार को दे दिया है। किसी के पास इतनी ताकत नहीं कि मेरा हक किसी और को सौंप सके। हमसे लड़े बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये सरदार आला की जगह है अर्तुरुल। सरदार, आपका यहाँ क्या काम है? फौरन जब्त कर लो उमरुल्लार के सिपाहियों की तलवारें। सऊद में मुझे इनका कोई सिपाही नजर ना है। तुम सबका अंजाम मौत है। जल्दी ये सरजमीन तुम जैसे गिदड़ों से पाक कर देंगे। सऊद पे सिर्फ आपका ही हक है, लेकिन क्या ये तरीका सही है? किसी को कुछ भी बताए बगैर, किसी से मशवरा किए बगैर इस तरह अचानक हमला कर देना? होते कौन हो तुम लोग सऊद में अपना परचम लगाने वाले? यकीन करो, अगर मैं होती तुम्हारी जगह तो अर्तुरुल सरदार के गजब से बचने के लिए कोई ऐसा गोशा तलाश करती जहां मुझे अमान मिल सके। ये जख्म तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, खुद को संभालो। ये नाल सरदार, सुबुताई और उसके सिपाहियों का पीछा किया था मैंने। कहां है वो? वो लोग उसे मार के केका उसको ले गए। संदूक चला गया, केकाउस फरार हो गया, सुबुताई मर गया। अलंजक को हम क्या जवाब देंगे? हाँ यिनाल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम जिंदा रहोगे। घोड़ा लेकर आओ फौरन। यिनाल को हमें सऊद लेके जाना होगा। यिनाल, मेरे भाई संभालो खुद को, कुछ नहीं होगा तुम्हें। सरदार, सरदार खिलाफ एक तवील अरसे से महाज खोलने वाले दुश्मन
अपनी साजिशों से हमें जेर करने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो ये फरामोश कर गए कि जब सूरज तुलू होता है तो बर्फ से जमे पहाड़ भी पिघल कर बह जाते हैं। वो सूरज दोबारा तुलू हो चुका है। और हमारी ताकत ने कब्जे की इस कोशिश को और जुल्म के इन पत्थरों को बहते दरिया में बहा दिया है। हमारे मकसद के लिए ये जिद्दोजहद हमेशा इसी तरह जारी रहेगी। सब ये जान लें कि अगर हम काई कबीले का परचम कहीं लहरा देते हैं तो काई के आखिरी फर्द तक कोई उस परचम की बेहुर्मती नहीं कर सकता। मेरे सरदार आला बरकरार न रहने की वजह से आप मुश्किलात का शिकार हुए जानता हूं मैं। निजाम अपनी असल हालत में वापस आ चुका है। इजाफी महसूलात खत्म कर दिए गए हैं आज से। ये तो माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। खौफ का खात्मा हो चुका है। इंसाफ फिर अपने रास्ते पर गामजन है। आज से हम सब फिर अमन और सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बात है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। हम अपने वतन को और अपनी तिजारत को अमन सुकून और इंसाफ के साथ अपनी ताकत से ज्यादा मजबूत बनाएंगे पहले से। यूं ही कायम रहेगा इंसाफ, यूं ही सदा कायम रहेगी आजादी। जनाब जनाब जनाब, हम संदूक लेने में कामयाब हो गए हैं। बहुत खूब, तुमने अजीम काम किया है उरानूस। उन्हें दिखा दिया कि कौन है हम लोग। जख्म गहरा है क्या? नहीं जनाब, उस मलून बेपौलाद ने मुझ पर वार किया लेकिन मार ना सका। ठीक है, कैका वो उसके पीछे जो आदमी भेजा था कहां है वो? कैकाबूस कहाँ है? कैकाबूस को वो लोग ले गए जनाब। कौन? मैं उन्हें नहीं जानता, उनके चेहरे छुपे हुए थे। उन्होंने मंगोलों को और हमारे तमाम आदमियों को मार डाला। अफसोस की बात है, हम फिर चूक गए। आखिर कौन लोग हो सकते हैं वो? अर्तुरुल, वो बहुत ज़हीन इंसान है, वही इसमें मुलव्वस है। कम अज कम हमने संदूक तो हासिल कर लिया। सही कहा, रुकना मुनासिब नहीं होगा, किले वापस चलते हैं हम। संदूक मुझे दो। चलो।
क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे परचम यहाँ से उतार देने का क्या मकसद है? सरदार, यिनाल, 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 संभालो खुद को मेरे शेर, तुम ठीक हो जाओगे यिनाल। सरदार, यिनाल, सरदार, सरदार, मुझे माफ कर दीजिएगा। यिनाल, 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 मैं तुम्हारा खून राय का नहीं जाने दूंगा यिनाल। कसम खाता हूं मैं, फौरन यिनाल को लेकर कबीले जाओ। मैं इस गद्दारी का सबब जानने के बाद आऊंगा। भाई, इन लोगों ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। क्या वाकई? तो पहले इस बारे में बात करता हूं। सिपाहियों, क्या अर्तुरुल सरदार मौजूद हैं? हमारे सरदार आला अंदर मौजूद हैं। सरदार आला, हाँ? मुझसे गद्दारी करने के बाद क्या तुम्हारे सरदार के पास ये मनसब बाकी रहेगा? तुम सबको हिसाब देना होगा इसका। हटो, अर्तुरुल सरदार। कहाँ है अर्तुरुल सरदार? आप आगे नहीं जा सकते बेबुला सरदार। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम क्या कर रहे हो? कहां से आ गई ये जुर्रत तुम्हारे अंदर? हां, हमारी तलवार से, हमारे इखलाक से और हमारे दिल से। आपका इखलाक क्या आपको गद्दारी का हुक्म देता है? आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा अर्तुरुल सरदार। इनसे बात करनी है मुझे, सब बाहर जाओ सिपाहियों। जो हुक्म आपका भाई, जैसा आपका हुक्म भाई। गद्दारी उन लोगों का खासा है जिन पर तुम एतबार करते हो बेबोलाद सरदार। तुमने एतमाद किया मंगोलों पर और अपनी हद को पार कर गए, इसलिए मैंने भी तलवार के जोर पर गद्दारी को कुचल कर सबको उनकी हद याद दिला दी। हद पार करने का इल्जाम मत लगाइए अर्तुरुल सरदार। क्या मैं सरदार आला बनना चाहता था? मंगोलों ने यह मनसब दिया था मुझे, बताइए क्या करता मैं? क्या उनके दिए गए मनसब को ठुकरा देता? क्या वो तुम्हें काई कबीले पर भी मुसल्लत करना चाहते थे? मेरे औताक में दाखिल करना चाहते थे? हमारी रिवायात की खिलाफ वर्जी भी उनकी ख्वाहिश थी। मैं तुम्हारे कई चेहरे देख चुका हूं बेबोलाद सरदार, और अब मैं किसी को भी हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। मंगोलों पर एतबार करना
गलती नहीं थी तुम्हारी, तुम्हारी गलती यह सोचना था कि जो कुछ मैंने तलवार के जोर पर हासिल किया वो वापस नहीं लूंगा मैं। अब तुम कीमत अदा कर रहे हो इसकी। अगर सिपाहियों के साथ मैंने हमला किया होता और हर तरफ काई परचम उतारकर अपने परचम लगाए होते तो उस वक्त आप क्या करते अर्दुल सरदार? तुम देख चुके हो मैंने जो किया। अगर दोबारा ऐसा करने की ख्वाहिश की तो पहले अपनी कब्रें तैयार करना और फिर यहां आना। अलंजक भी अब तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। पहले उसे वो संदूक और कैकब उसको हलाकू खान तक पहुंचाना होगा, उसके बाद देखा जाएगा। ना तो वहां संदूक है और ना ही कैकबूस। कैसे हो सकता है? हम एक ऐसी जंग में दाखिल हो चुके हैं जो मैशर की मानिंद है। वो संदूक और कैकबूस दोनों को ले गए और सुबुताई मर चुका है। शर्म का मकाम है, अलंजक इस मामले को नहीं संभाल सका, न तो तुम्हारी और न ही अपनी कोई मदद कर पाएगा अब वो। तुम मंगोलों पर एतबार करके गलती कर रहे हो, समझाया था मैंने, और यह भी कहा था कि जब तुम उनके काम के नहीं रहोगे तो तुम्हें अंजाम तक पहुंचा देंगे। अब क्या सोचा है तुमने? क्या तुम सरदार आला की इताअत करोगे या उनकी तलवार अपनी गर्दन पर आने का इंतजार करोगे? जनाजे में जाना है अर्दुल सरदार। इस जंग में मैंने ये नाल को खो दिया। तदफीन के बाद खुद आपके पास आऊंगा मैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह बच्चों, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो आज। क्योंकि आज बहुत मुबारक दिन है, हमारे अलावा और कौन खुश होगा। सऊद हमने दोबारा हासिल कर लिया है, फतह हमारी हुई मोहतरम। अल्लाह का शुक्र है हमें फतह हासिल हुई, अब हमारे सामने कोई भी खड़ा नहीं हो सकता। तो हम मौजूए फतह पर बात करेंगे आज, और आज हम लोग अल अजीज इस्मे शरीफ के बारे में इल्म हासिल करेंगे। अल अजीज जल्ला जलालहू, जो इज्जतों का मालिक है, हर शय पर गालिब है, इंतहाई कुव्वत वाला है वो, उसके आगे कोई नहीं ठहर सकता, जो हमेशा रहने वाला है। अल्लाह ताला कुरान करीम में जब अपनी जात का तारुफ करवाता है, रहमान और रहीम के इस्म से करवाता है। वो बताता है कि तुम्हारा रब कितना मेहरबान है, लेकिन हमें चाहिए कि हम लोग उसे अजीज और जलील के नाम से याद रखें। हमारी अजीम किताब कुरान करीम में सूरह लुकमान की आयत नंबर 33 में अल्लाह इरशाद फरमाता है, हरगिज दुनिया की हयात के धोखे में ना आना और ना शैतान के, अल्लाह से मगफरत तलब करो और शैतान के शर से बचो। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, वो मुतलक हकीकत है, और वो
अजीज और जलील भी है। बहुत अजीम और साहिब शर्फ है। हमारा रब्बुल आलमीन हर शय पर कादिर है। परवरदिगार सूरह नसर में हमें मुतनब्बे करता है कि जब अल्लाह की नुसरत और फतह आन पहुंची तो लोग चौक दर चौक इस्लाम में दाखिल होने लगे। तो अपने रब की हम्द किया करो, तस्बीह किया करो, उससे मगफरत की दुआ मांगा करो, क्योंकि वो तौबा कबूल करने वाला है। यानी फतह हासिल करके ये ना समझो कि ये फतह तुम्हें खुद हासिल हो गई। फतह देने वाली जात परवरदिगार की है और उसकी तस्बीह है। क्योंकि अगर तुम्हारा नफ्स इस फतह से आशनाई रखता है तो तुम्हें चाहिए अल्लाह से मगफरत तलब करो। याद रखो, जिहाद जंग के मैदान में खत्म नहीं होता, यह आपके कबीले लौटने तक जारी रहता है। कबीले में हम किससे जंग करेंगे मोहतरम? अपने नफ्स से करेंगे आइबर्स। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम फरमाते हैं, हकीकी मुजाहिद वो है जो अपने नफ्स से हमेशा जंग करता है, क्योंकि नफ्स कभी नहीं मरता। इंसान को गुमराह करता है, वो खुद को अहम समझता है, रब को भुला देता है, अल्लाह के एहसानात नेमतें और उसकी इनायात को खुद से मंसूब करता है। अल्लाह की तलवार का लकब हासिल करने वाले साहबी मोहतरम के बारे में जानते हो तुम लोग? वो कौन थे मोहतरम? खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु। वो बहुत अजीम कमांडर थे। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम उन्हें अल्लाह की तलवार कहा करते थे, यानी सैफुल्लाह। उन्होंने कभी कोई जंग नहीं हारी, बहुत से खित्तों में इस्लाम को राइज किया, बड़े बड़े लश्कर नीस्त तो नाबूद किए। कई साल बाद पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम जब इस दुनिया से चले गए मोमिनों के अमीर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को यह मालूम था कि कितनी तलवारें उनके हाथ में टूटी, कितने दुश्मनों ने उनके सामने घुटने टेक दिए। हजरत अबू बकर जब अपने अजीज दोस्त पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम के पास चले गए तो उनकी जगह मोमिनों के अमीर हजरत उमर आए। खालिद बिन वलीद फतह दर फतह हासिल करते जा रहे थे, इस्लाम पूरी दुनिया को अपने हिसार में ले रहा था। एक दिन हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद को कमांडर के ओहदे से हटा दिया और फरमाया कि वो एक कमांडर नहीं बल्कि दूसरों की तरह एक आम सिपाही होंगे। हजरत उमर ने आखिर एक इतने अजीम कमांडर और जंगजू को हटाकर एक आम सिपाही क्यों बना दिया? हाँ, सब लोग इसी बात पर ताज्जुब में थे। जाहिर है खालिद बिन वलीद भी हैरान थे। हजरत उमर ने खालिद बिन वलीद से कहा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम ने फरमाया है कि आप अल्लाह की तलवार हैं, बहुत अजीम कमांडर हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि यह फतूहात सिर्फ आपकी वजह से है। वो समझते हैं कि आप कमांडर हैं इसलिए हम फाते हैं। उनका यह ख्याल सरीहन गलत है। गालिब तो सिर्फ अल्लाह की जात है, फतह अल्लाह की तरफ से है, फतह अल्लाह की है बेशक। खालिद बिन वलीद ने सिपाही की हैसियत से जंग की। अल्लाह ताला ने नई फतूहात नसीब की इस्लाम के लश्कर को। एक बार फिर वाज़े हो गया कि गालिब आने वाला, फतह नसीब करने वाला सिर्फ रब्बुल आलमीन है। अजीज और जलील नाम है जिसके। जब तुम एक फतह से दूसरी फतह की जानिब पढ़ते हो तो असल फातिह अल्लाह है, ये मत भूलना। अल्लाह तुम्हें साबित कदम रखे। आमीन आमीन आमीन। इस दुनिया में हम जो कुछ भी फतह करके हासिल करते हैं
उसका असल मालिक सिर्फ अल्लाह है। बहुत अहम ये कि अल्लाह ताला की राह में एक सिपाही की हैसियत से हमें अल्लाह के एहसानात और करम को याद रखना चाहिए। तुम्हारे बाबा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे सुलेमान। बिल्कुल वालिदा, मैंने बाबा और कबीले वालों को बहुत याद किया। सुलेमान, वो माफी नामा जो अर्तुरुल भाई ने तुम्हें दिया था कहाँ रखा है तुमने? मुझे दो, मैं सामान में रख दूँ। उसे मैं जीरा में रखूंगा वालिदा, वो कोई आम चीज नहीं जो मैं सामान में रख दूं। तुम्हारे बाबा भी हमेशा ऐसे ही किया करते थे, वो भी हर लम्हा तैयार रहा करते थे। बच्चे अपने बाप के नक्शे कदम पे ही चलते हैं वालिदा। बिल्कुल सही कहा। आह मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल अक्स हो अपने बाबा का। बाबा की तरह जरा पहने तेग हमाइल किए हुए। बहुत शुक्र है उस अल्लाह का। सऊद और सरदार आला का मनसब वापस ले लिया है अर्तुल सरदार ने, ये अपनी आंखों से देखा शुक्र है। बहुत शुक्र है सुलेमान, बहुत शुक्र। वालिदा, अर्तुल सरदार के बारे में बदगुमान था मैं। मैं सोच रहा था कि इन मुश्किलात में वो हमें नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन उन्होंने तो ये सब कुछ पहले ही सोच रखा था। एक सरदार की सोच को जानना बहुत मुश्किल होता है सुलेमान, वह हमारी सोच से भी कहीं आगे की सोच रखते हैं। दुरुस्त कहा वालिदा। एक दिन तुम भी सरदार बनोगे, मैंने तुम्हें उसी दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया है। एक बहादुर का उसके जाने के बाद भी नाम बाकी रहता है, शान बाकी रहती है। सुनो बेटा, बाजंतीनियों के आगे, मंगोल जालिमों के आगे अगर तुमने अपने खौफ को जाहिर किया तो मैं अपना हक तुम्हें माफ नहीं करूंगी। देखो, अगर तुम बहादुरी से लड़ोगे, खुद को काबिले फख्र बनाओगे, तो मैं भी तुम पर बहुत फख्र करूंगी मेरे बच्चे। हो सकता है कि शहादत नसीब हो तुम्हें। यही तुम्हारी राह और हमारी दुआ है तुम्हारे लिए। अल्लाह राजी हो आपसे। तुमसे भी मेरे बच्चे। इजाजत दीजिए वालिदा। सुलेमान, हवा के झोंके से भी तेज रफ्तार हो तुम्हारी। उम्मीद करती हूं हमारा मुस्तकबिल मुश्किलात से महफूज हो जाएगा। तुम्हारे ये कदम जमीन पे हरगिज न रुकने पाए। आमीन।
जिस संदूक की वजह से इतने लोगों की जाने गई, कितना आम सा दिखता है। अब हम क्या करेंगे जनाब? संदूक को खोलकर देखेंगे। क्या इसे खोलना खतरनाक नहीं होगा? संदूक के बारे में अर्तुरुल ने बताया था हमें, वो हमसे आकर पूछेगा, खबर भी नहीं पहुंचाई हमने उसे। संदूक हमने हासिल किया है, ये जाने बगैर कि इस संदूक के अंदर क्या मालूमात है अर्तुरुल को देना बहुत बड़ी बेवकूफी होगी, और उसे मालूम होना चाहिए कि हमने इसे खोला है। केका वुस को वो हमारी मदद से लेकर गया, लेकिन इस बारे में उसने हमें कुछ नहीं बताया। तुम समझे उरानूस, ये अच्छी शराकत नहीं है, धोखेबाजी है। ये इस संदूक की कुंजी भी नहीं है हमारे पास। आखिर हम इस संदूक को खोलेंगे कैसे? क्या हुआ जनाब? अर्तुरुल ने सऊद दोबारा हासिल कर लिया है और सरदार आला का ओहदा भी वापस ले लिया है। अर्तुरुल ने खुद पीछे रहकर मैदान खाली करने के लिए एक जाल बिछाया और अपने कब्जे में कर लिया सब कुछ। अब तुम समझे अर्तुरुल के साथ शराकतदारी पर हम क्यों एतबार नहीं कर सकते? हमारे साथ भी वो ऐसा करेगा। किसी ऐसे शख्स को ढूंढ कर ला जो इस संदूक को खोल सके। जल्दी जाओ। इतना अरसा गुजरने के बाद मैंने किसी कबीले को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखा है। अल्लाह आप सबसे राजी हो। हम सबसे राजी हो सुल्तान। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सुल्तान। हम सब इस मुबारक राह के परचम हैं। उम्मीद करता हूं कि हम में से कोई एक दूसरे को गिरने नहीं देगा। सुल्तान, आपको सुनहरी फौज के हुक्मरान बरके खान के इलाके की तरफ रवाना होना है। यह मक्तूब मुझे अर्तुरुल सरदार ने आपको देने के लिए कहा था। ये मकतूब देखते ही उन्हें आपके सुल्तान केकावुस होने का यकीन हो जाएगा, और इस तरह आपका भी मकसद में शामिल होना हमारे लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। काश कि मैं आपके कबीले में रुककर अपना काम पूरा कर सकता। बहुत अरसा गुजर गया, अपने इलाके का पानी तक नहीं पिया मैंने, लेकिन अगर यही तकदीर है तो क्या कर सकते हैं। हमारा मकसद ही हमारे लिए सब कुछ है। बहुत शुक्रिया सुल्तान। सिपाही आपके मुंतजर हैं। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। हमारा तख्त बाकी रहे ना रहे, लेकिन अल्लाह इस पाक सरजमीन से आप जैसे बहादुरों को कभी खाली ना करे। बहुत शुक्रिया सुल्तान। बहुत शुक्रिया सुल्तान। सरदार, अर्तुरुल सरदार ने सऊद हासिल करके सरदार आला का ओहदा भी वापस ले लिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। यकीनन अलंजक की साख को हमने नुकसान पहुंचा दिया। वो आज से एक जिंदा लाश बनकर रहेगा। माशाल्लाह। सुल्तान, अब हम सब आपको अलविदा कहकर अपने कबीले वापस जाएंगे। यिनाल, मेरे बहादुर साथी,
अगर तुम्हें मारने वालों की जिंदगी मैंने अजाब ना बना दी तो मेरी ही तलवार से मेरा सर कलम हो जाए। दुश्मन के दिए गए जख्म का हर हाल में इंतकाम लिया जाएगा। हमने एक जान के बदले अगर हजार जाने ना ली तो हमारी हर सांस हराम है हम पर। मैं सबके सामने कसम खाता हूं अपनी इस आहनी तलवार की, खून की, बहादुरी और कुव्वत की, जुर्रत की, जो हमारी जान लेगा हम उसकी जान ले लेंगे। जिसने हमारे फैसले से इनकार किया जिंदा दफना देंगे उसे, और जिसने भी हमसे दुश्मनी की इंतकाम लिए बगैर उसे नहीं छोड़ा जाएगा। इंतकाम! 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 और तुम सलजान खातून से माफी मांगोगी? हरगिज नहीं। सिरमा, अब अगर एक लफ्ज भी तुमने कहा तो तुम्हारी जबान काट दूंगा मैं। तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं देंगे सुलेमान। तुम मौत की भीख मांगोगे हमसे, बांधो इसे, गार लेकर जाएंगे। ये क्या हुआ? उस सलजान की जान तो ले सकती हूं मैं, लेकिन उससे माफी नहीं मांगूंगी। हर कोई देख लेगा कि सिरमा को अगर कोई झुकाना चाहता है तो उसका अंजाम क्या होता है। सब कुछ खत्म हो गया, अजीम पहाड़ मुझ पर गिर पड़े। खान मुझे बहुत अजियतनाक मौत देगा।